असर नाजन कराम, मुल्क के जो सूरत हाल है, जो हालात हैं, रोज़ उस पर नए तबसरे होते रहते हैं, नए गुफ्तगू होती रहती हैं, नए अफवाहें उठती रहती हैं, तबसरे आते रहते हैं, सोशल मीडिया नई नई बातें उड़ाता है। काकुल में ट्रेनिंग हुई नौजवानों की, खिलाड़ियों की, क्रिकेट के प्लेयर्स की, सुना है जाते जाते उन्होंने आर्मी चीफ से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि जरा हमारा बंदा एक पकड़ा हुआ है, बड़ा अच्छा खिलाड़ी था। खामोशी रही, मैच हो गए, चले गए, लेकिन बाद में वजाहत आनी शुरू हो गई कि ये तो जो भी आता है खिलाड़ी, पुराने खिलाड़ियों को आइडियलाइज करता है, उस हिसाब से बात की गई थी, सियासत से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है वगैरह वगैरह। दूसरा, इसहाक डार साहब को, जो हमारे वजीर खारजा हैं, आज नायब वजीर आजम नामजद कर दिया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट खबर है। सिर्फ इस लिहाज से नहीं, कुछ लोग तो उसको इस तरह देखेंगे कि इसका मतलब ये है कि नवाज शरीफ इन हो गए हैं, यानी कि शहबाज शरीफ के आने से इन नहीं हुए, मरियम नवाज के आने से इन नहीं हुए, इसहाक डार के आने से इन हुए लोगों के ख्याल में, इसका मतलब ये लिया जाता है। लेकिन लोगों का यह मतलब भी है कि शायद किसी की नज़रें इस ओहदे पर थी और उस पर बहुत तंजो तशरी के तीर जो थे वो बरसाए जा रहे थे। राणा सनाउल्ला भी लगे हुए थे और लोग भी लगे हुए थे कि वो चाहे तो जो ओहदा भी ले सकता है। उनका भी कहना था कि मुझे कहा जा रहा है कि एक ओहदा रखो, मैं तो शायद दूसरे दो रखूँ, हुकूमत का ओहदा ना रखूँ वगैरह वगैरह, इस किस्म की बातें हो रही थी। लेकिन ऐसी सूरत में इसहाक डार साहब का वजाहत के साथ नायब वज़ीर आज़म बनने का मतलब यह है कि मुस्लिम लीग नून ने पहली बार असर्ट किया है, या नवाज शरीफ ने असर्ट किया है, और ऐसे एक आदमी को उस मुद्दे पर रखा गया है जिस पर किसी ऐसे शख्स की नज़रें थी जो टोटली मुस्लिम लीग नून का नहीं गिना जा सकता था। ये एक तरह से एक पॉजिटिव बात इसलिए गिनी जा सकती है कि जो सियासी पार्टी भी, कोई भी हो, मुस्लिम लीग नून ना हो, पीटीआई हो, पीपल्स पार्टी हो, रूल कर रही हो, उसका कंट्रोल होना चाहिए, उसकी बात चलना चाहिए। ये नहीं उसको ढूंढ डांट के आप वजीर दे दें, मशीर दे दें और कहें चलाओ हुकूमत इनकी मदद से और जो हम कहते हैं वो करो, तो चुनाचे इस लिहाज से एक पॉजिटिव बात है। लेकिन सबसे बदतर बात जो इस वक्त मुल्क में हो रही है वो ये है कि रोज़ खबरें आ रही हैं कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, बानी पीटीआई ने ये कह दिया है, आपको इशारे मिल रहे हैं, शिबली फराज साहब कुछ बयान दे रहे हैं कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, पिछले दिन बयान आया था कि मुज़ाकरात करना चाहते हैं लेकिन आर्मी चीफ से करेंगे या आईएसआई चीफ से करेंगे, वो शायद शहरयार अफरीद साहब ने बयान दिया था, उस सब बड़ी हमने कल गुफ्तगू की थी, तफसील के साथ गुफ्तगू की थी। आज भी मुख्तलिफ बयान है, शिबली फराज साहब बहुत वजाहत के साथ कह रहे हैं कि मुगैया हम मुज़ाकरात हर तरह के हर लोग से करने को तैयार हैं, पाकिस्तान की खातर हम मुज़ाकरात करने को तैयार हैं, लेकिन यह है कि उसकी कुछ चीज़ें तय होनी चाहिए, हमारे बंदे छोड़ें। अब जवाब में लोग कहा जा रहा है कि अगर बंदे ही छोड़ने, अहम बात है, सियासी कैदी छोड़े जाए, वो कहते हैं सियासी कैदी है ही कोई नहीं, सब पर या तो मुजरमाना केस हैं या ये है कि वो कोई इस तरह के केस हैं जिसको कौमी सलामती के केस कहा जा सकता है। चलिए, यह तो खैर एक लंबी बहस है जो की जा सकती, लेकिन एक बात ये एक तरह की उछाली जा रही है कि अब मुज़ाकरात का एक तरह का डोल डाला जा सकता है। कुछ लहजे ऐसे आए हैं कि लगता है कि मुज़ाकरात में हर्ज कोई नहीं है, ये पॉजिटिव बात है। अगर मुज़ाकरात होते हैं और उसमें सियासी जमातें भी शामिल होती हैं, और अगर शिबली फराज कहते हैं कि हम पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात कर रहे हैं, तो खुदा के लिए इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? मुज़ाकरात होने चाहिए, पाकिस्तान के फ़ायदे में होने चाहिए, और ऐसे मुज़ाकरात होने चाहिए जो मीनिंगफुल होने चाहिए। और कुछ लोग तो बड़े साफ लफ्ज़ों में कहते हैं कि वो कहने की बातें नहीं होती, ये ज़रा छोटे दर्जे के सियासतदान हैं जो बात कह देते हैं कि आर्मी चीफ से बात करेंगे या आईएसआई से बात करेंगे, कहने की बातें नहीं होती। लेकिन ये बात एक हकीकत है कि इस्टेब्लिशमेंट या फौज इस मुल्क में एक हकीकत है, जब कभी भी मुज़ाकरात होंगे उन स्टेक होल्डर्स को भी हमें ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा, इसलिए वो बुरी बात नहीं है, सिर्फ उसके इजहार के तरीके के तौर पर बात ज़रा बिगड़ जाती है। बहरहाल, आज इसी पर हम गुफ्तगू करेंगे इन सारे मामलों पर। हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग के रहनुमा सेनेटर गौस मोहम्मद नियाज़ साहब मौजूद होंगे, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी लाइन चैट मौजूद है, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह लाइन मिल गई है उनसे जी। शौकत यूसुफ जई साहब तहरीक इंसाफ के, हम कल इनसे बात करना चाह रहे थे लेकिन कल बारिश की वजह से कुछ लाइनों में गड़बड़ रही। और जुल्फकार अली बदर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, हमारे वो तो जहमत करते हैं, हमारे स्टूडियो ही आ जाते हैं, लेकिन इस वक्त हम जल्दी में उनको हमने वो हमारे साथ मौजूद हैं और वो गुफ्तगू करेंगे। मुजाहद बरेलवी साहब हमारे बहुत सीनियर साथी, वो भी कराची से हमारे साथ मौजूद होंगे। यूसुफ़ साहब, पहले मैं आप ही से बात करना चाहता हूँ कि मसला आप ही का, वैसे मुज़ाकरात क्या सचमुच हो रहे हैं, कुछ होने की गुंजाइश पैदा हुई है?
कुछ जो आवाजें आ रही हैं और आपके लोग भी कह रहे हैं और दुरुस्त कह रहे हैं कि अगर कोई मीनिंगफुल मुज़ाकरात हो तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। हाँ अलबत्ता आपके कुछ लोग ज़्यादा बढ़ जाते हैं, कहते हैं हम हमला कर देंगे इस्लामाबाद पे, कभी कहते हैं तो हम बात करेंगे तो आईएसआई चीफ से या आर्मी चीफ से बात करेंगे, वो अलग बात है। लेकिन अब शिबली फराज ने और दूसरे लोगों ने जो कुछ बात की है उससे लगता है कि मुज़ाकरात का कुछ डोल डाला जा रहा है, क्या लगता है आपको? बिस्मिल्लाह रहमान, बहुत शुक्रिया जी। देखें मुज़ाकरात पॉलिटिकल, जब आप सियासत करते हैं तो सियासत के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न जो है ना वो नहीं होना चाहिए। ज़रूर कोई ना कोई हल की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि मुल्क हमारा और सियासत लोग मुल्क के लिए ही करते हैं। ये नहीं हो सकता है कि हम मुल्क को तबाह करके हम कहेंगे जी हम सियासत करेंगे, इस तरह हो नहीं सकता। लेकिन अब ये देखें कि वो लोग जो एक तरफ कहते हैं ये गद्दार है, ये क्रिमिनल है, ये इंतशार पसंद है, ये पता नहीं क्या क्या हमें खिताबात दिए जाते हैं, और दूसरी तरफ फिर वही लोग ये कहते हैं कि जी आए हमारे साथ मुज़ाकरात करें। अच्छा हम अगर कहते हैं कि जी ठीक है मुज़ाकरात करेंगे, तो आगे से कहते हैं ये देखें जी ये तो डील मांग रहे हैं। हम कहते हैं कि हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे, तो कहते हैं देखें जी इनको सियासत नहीं आती। तो पहली बात तो ये कि हुकूमत जो है अपने तर्जुमानों को तो कम से कम सबक दे दे, उनको तो बता दे कि वो हुकूमत क्या चाहती है और उनके तर्जुमान क्या ये चाहती। ये दोनों तरह का मसला है जनाब, आपके तर्जमानों का भी जी उनके मैं तर्जमानों अर्ज का। करूँ, देखे मैंने पहले मेरे ख्याल से मैंने कोई नहीं नहीं आप बीस ठीक कह रहे हैं, दफा आप ठीक कह रहे हैं, मैं बदला। हर चैनल पे ये कहा हाँ होगा, मैंने ये चैनल पे कहा होगा कि देखे अगर पाकिस्तान के लिए हो कोई मसला हो तो फिर इमरान खान कहेगा कि जी मुज़ाकरात करें, ठीक है, जात के लिए वो कभी नहीं करेगा। ये वो कभी नहीं कहेगा कि मुझे रिहा कर दो और मेरे लिए मुज़ाकरात करो, ये अरे कभी शिबली फराज क्यों कहते हैं कि पहले सियासी कैदी रहा करो? नहीं। मैं देखे ये हमारे पार्टी का मौकफ है ना, मैं आपको पार्टी मौकफ इमरान खान का मौकफ जरा अलग अलग बता रहा हूँ। अच्छा जहां तक इमरान खान का ताल्लुक है तो मैं आपको ये बता दूं कि वो किसी किस्म का कम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते। वो ये समझते हैं कि नून पीपल्स पार्टी MQM ये वो जमाते हैं जो हर दौर में इकतदार में रही है, नंबर वाइज रही है, और इन्होंने मुल्क को इस यहाँ तक पहुंचाया है। ये सारे जिम्मेदार वो यही है इस मुल्क के। आप देखे ना इसहाक डार जो है वो 1.5 साल वजीर खजाना रहा, जब डॉलर हाई सतह पे चला गया, मईशत गिर गई, और फिर इसहाक डार आ गया कि जी अभी उसको वजीर खारजा बनाओ, तो ये एक वो रह गया था, उसके बाद अब वजीर आजम बनाओ जी। तो ये सारी वो चीजें हैं जो सिर्फ देख एक फैमिली के गर्द घूम रही है सारी बड़े बड़े होते, बाकी तो देखे लोगों को तो ये मानते ही नहीं है, शरीफ फैमिली तो किसी को और को मानती भी नहीं है। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि मुज़ाकिरात हो किस बात पे हो, मतलब ये कि कोई एजेंडा तो सामने आए ना, मुज़ाकिरात किस बात पे हो जब हमारे सारे वर्कर जेलों में है, लीडर जेल में है, और हमारे खिलाफ कार्रवाइयां मुसलसल हो रही हैं, हमें दीवार से लगाया जा रहा है, और फिर कहते हैं जी आजा दियो आप मुज़ाकिरात करें। ऐसे मुज़ाकिरात तो कभी भी नहीं होंगे, ठीक, और किसके साथ होने ये तो बात की बात है, लेकिन ऐसे हालात में मुज़ाकिरात कैसे मुमकिन है? ठीक, हम तो चाहते हैं देखिए हमारे हम चाहते हैं कि मुज़ाकिरात हो, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान आगे बढ़े, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आप दीवार से हमें लगाएं मुसलसल, हमें क्या हमें हम पे तशद्दुद करें वर्करों के ऊपर, और आप प्रेशर में लाके हमें कहें कि मुज़ाकिरात करें? नहीं, तो आ, 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 आप, आप, आप बड़ी वजाहत के साथ बात आ गई जी। सेनेटर गौस मोहम्मद न्याज साहब, ये आपने बात सुन ली, वो कहते हैं किस बात पे मुज़ाकिरात कर रहे हैं, हमें गद्दार कहते हैं, पता नहीं क्या क्या कहते हैं। खैर आप भी कह सकते हैं कि हमें चोर कहते थे, डाकू कहते थे, वगैरह वगैरह, तो अब मुज़ाकिरात कैसे हो? सारी बात आपके सामने है, अब भी उनका मौका यही है कि हमारे बंदे आपने पकड़े हुए हैं और सबसे बड़ा बंदा है जो पकड़ा हुआ है। एक बात उन्होंने बड़ी एक अजीब कही है कि पार्टी का मौकफ क्या है और बानी PTI का मौकफ क्या है, कि लीडर गोया और है, पार्टी गोया और है, वो कह नहीं रहे, वो शक पड़ सकता है इस बात का, इसलिए मैं पूछता हूं कि उनकी बात का मतलब आप कैसे लेते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, पहली बात यह है कि आपस में एतमाद का रिश्ता ये बहाल होना चाहिए और जो एक दूसरे की बदगुमानी वो खत्म होना चाहिए। यही इमरान खान ने आज से 1.5 महीने पहले कहा था कि मैं नवाज शरीफ साहब से मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये पिछले हफ्ते से कहना शुरू कर दिया कि हम आर्मी चीफ और आईएसआई से बात करेंगे, हुकूमत से बात नहीं करेंगे। हम मुज़ाकरात क्यों चाहते हैं? हम मुज़ाकरात चाहते हैं पाकिस्तान के, पाकिस्तान की मईशत के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तान को दहशतगर्दी से पाक करने के लिए। हम कहते हैं कि हम इकट्ठे बैठे हैं, आप हमारी कुछ हमारी बातें माने, कुछ हम आपकी मानते हैं, एक इतमाद का रिश्ता बहाल हो, और जो आपके केसेस हैं उसमें आपके साथ हम चाहते हैं कि इंसाफ हो, आपके साथ ज्यादती ना हो। ये सारी चीजें टेबल पे बैठ हो सकती हैं, बयानबाजी से नहीं हो सकती।
शहबाज साहब ने भी फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा था कि ये बहुत हो चुका, अब हमें इकट्ठे चलने चाहिए। इसहाक डार साहब ने भी कहा, तो ये उनको चाहिए कि एक हमारे साथ बैठे, दावत है कि यही मतलब होता है कि हमारे साथ बैठे, असेंबली में कार्रवाई में आप हिस्सा लें, एक पार्लियामेंट फॉर्म में जहाँ दोनों तरफ की सबकी नुमाइंदगी है, और जिस तरह एटीट्यूड का कौमी असेंबली में होता है, और सदर की तकरीर में आप देख लिया कि उसमें हमारे सिक्योरिटी इदारे और कुछ पार्लियामेंटेरियन भी नहीं आए। वजह क्या थी कि पता था कि यहाँ शोर शराबा होगा। तो ऐसी चीजें चंद हैं जिसकी वजह से अब पीटीआई कहते हैं जी नहीं, हम वो ध्वंस धांसली के जरिए हम वो मुतालबात मनवाएं, ऐसे नहीं हो सकता। आप असम्बली में अपने आप को ठीक करें, आप असम्बली कार्रवाई में हिस्सा लें, पॉजिटिव तनकीद भी करें, हम उसको वेलकम करेंगे, पीपल्स पार्टी भी करती है, तो उनको अपना अपना रवैये पे नजरसानी करनी होगी। पीटीआई को कोई भी इन पे इस ठीक बार करने को तैयार नहीं है, क्योंकि इनके पहले इससे ठीक पहले भी ना जब नैब के मसायल ठीक थे, जब हम वर्षियन में थे, ठीक तो ठीक है ठीक ये हमारे से जी तय करके जाते थे, और फिर जब इमरान खान के पास जाते थे तो वो वीटो कर देता था कि नहीं कि ये इस तरह नहीं हो सकता। तो बात यह है कि इतमाद का रिश्ता बहाल होगा, असेंबली में अपना जो रवैया वो ठीक करें, और हमें हमें महसूस हो कि ये बिल्कुल अब हमारे साथ चलना चाहते हैं, मुल्क की खातिर अपना रोल अदा करना चाहते हैं, तो बिल्कुल ठीक मुलाकात ठीक तो इस होगी। मुजाकरात हो सकते हैं बिल्कुल जी। जुल्फिकार अली बदर साहब, आप क्या कहते हैं? आप बिलावल भुट्टो साहब के तर्जमान भी हैं, पार्टी के भी बड़े फाल नुमाइंदे हैं, और दूसरी नस्ल है आपकी इस पार्टी में एक्टिव होने की, क्या कहते हैं आप? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बहुत शुक्रिया मीर साहब, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे बुलाया। देखिए, हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप, उनको बहुत सारी चीजों के ऊपर तहफुजात होने के बावजूद पीपल्स पार्टी की लीडरशिप और खासतौर पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब यही समझते हैं कि जो मुजाकरात का दरवाजा है वो बंद नहीं होना चाहिए, और मुल्क को प्रॉब्लम से और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए, पोलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए बातचीत के जरिए मामलात को हल करना है। अब बहुत सारे तहफुजात भी हैं पार्टियों से, लीडर्स से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम बातचीत का दरवाजा बंद कर दें, बिकॉज इस मुल्क के साथ ही हमारी जो है वो सर्वाइवल है, इस मुल्क के साथ ही हमारी इज्जत है, इस मुल्क के साथ ही हमारी बका है। ये मुल्क है तो हम है, इस मुल्क की को मुस्तहकम करने के लिए, इस मुल्क के अंदर मुआशी और सियासी इस्तकाम बख्शने के लिए एक दूसरे के साथ मुजाकरात के जरिए ही मसले को हल किया जा सकता है। ये मुजाकरात सिर्फ एक ही सूरत में हल हो सकते हैं कि अनकंडीशनल आके बैठ जाए। अगर कोई कंडीशन रखेंगे तो मुजाकरात नहीं होंगे। और आपने पीटीआई के बहुत सारे लोगों के बयानात भी सुन लिए हैं कि वो सियासी पार्टियों से बातचीत नहीं करना चाहते, सियासी जो उसका हल नहीं निकालना चाहते, वो फौज के साथ बैठना चाहते हैं, फौज के जरिए मामलात को हल करना चाहते हैं, जैसे वो 2018 में फौज के साथ मामलात हल करके आए थे। ये वो टाइम है कि जिस पे यहाँ पे इनको सियासी कूटों के साथ, सियासी स्टेक होल्डर्स के साथ, सियासी फोर्सेस के साथ बैठ के बातचीत के जरिए मसले का हल निकालना होगा। और इसके अंदर तमाम स्टेक होल्डर्स, पोलिटिकल फोर्सेस, पोलिटिकल इंक्लूडिंग एस्टेब्लिशमेंट, सब लोगों को इसके अंदर बैठ के जो है पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए चीजों को तय करना होगा। और ये अनकंडीशनल होगा। अगर आप इसके अंदर ये कि जी आप पहले कंडीशन हमारी पूरी करेंगे तो हम टेबल पे आएंगे, नहीं, टेबल पे आए, बातचीत करें, मसला निकालें, कुछ लो कुछ दो के जरिए बहुत सारी चीजों में इनको रिलीफ भी मिल सकता है, मामला हल भी हो सकते हैं और चीजें आगे भी चल सकती हैं। ठीक बात, तो ठीक इसके लिए बात। पॉलिटिकल मेच्योरिटी का होना बड़ा जरूरी है। ठीक बात। और ये मैं समझूंगा कि पीटीआई वाले दोस्तों को चाहिए कि जी वो जी लोगों को आके लेके आए जो पॉलिटिकली मेच्योर बातचीत करें और मसले का हल निकालें। जी मुजाहिद रेलवी साहब, आपने सारी गुफ्तगू अहले सियासत की सुनी, आप अहले नजर क्या कहते हैं, जरा आपकी बार राय भी ली जाए और देखा जाए कि आपका क्या ख्याल है सारी गुफ्तगू के हवाले से। देखिए, मेरे ये ख्याल है, मैं तो पहले भी समझता हूँ कि ये सिरे से पॉलिटिकल पार्टियां ही नहीं है, माजरत के साथ। आपने मीर साहब देखा होगा, जमात इस्लामी एक पार्टी थी, नेशनल अवामी पार्टी एक पार्टी थी, भुट्टो साहब की एक पोलिटिकल पार्टी थी, कन्वेंशन होते थे, प्रोविंशियल डिस्ट्रिक्ट उनके सदूर होते थे, उनकी सेंट्रल कमेटीज होती थी, उसमें हर इशूज रखे जाते थे, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल मैनेज होती थी। अब तो ये इनके घरों की पार्टियां हो गई है, जाति उमरा की पार्टी है, रजारी हाउस की पार्टी है, बनीगाला की पार्टी, आज खुद ब खुद नायब वजी आजम इसहाक डार को बना दिया, आपने लेटर सुना होगा। इनका सिक्रेट कब और नामजद करता है, सिक्रेटरी, सदर, नायब सदर, बेटा चेयरमैन हो जाते हैं, बेटी नायब सदर हो जाती है, तो आप ये इनका मौके में क्या सुनू। फिर उनमें ये है कि ये लोग खुद ही एक प्लांट करते हैं,
वो मरमत को कहते हैं तुम ये बयान दे दो सऊदी अरब के खिलाफ, उसको गौहर साहब को कहते हैं तुम ये बयान दे दो पीपल्स पार्टी में इतना करता है, हमें जाहिर हमें ये इतना बेवकूफ समझते हैं, हमें नहीं पता कि ये लोग गालिबन घर में ये जब निकलते होंगे तो ये भी पूछते होंगे मैं इस शर्ट इस रंग की शर्ट पहनूं या ना पहनूं पार्टी के सरबरा से। तो कहने का मतलब ये कि इसमें पार्टियां हैं, मीर साहब आपने तो देखा है 70 की दहाई में पॉलिटिकल पार्टियां इस तरह होती हैं, घरों में इनके वो होते हैं तमाम इजलास, इत्तेहाद किस तरह बनते हैं आपने देखे किस तरह इत्तेहाद बनते हैं, वो अच्छे चले गए बगैर पूछे चले गए, और किस तरीके से ये लोग सेनेटर एमएनए नामजद करते हैं, देखा नहीं आपने अपने मोहतरम मोहसिन नकवी साहब किस तरह नामजद हुए इंडिपेंडेंट, किस तरह वाडा को वोट दिए गए। तो बेसिक बात इन लोगों के मौकफ में क्या बात करूं, सॉरी टू से आप और हम थोड़ा बहुत सियासत का तजर्बा रखते हैं, ये जो एंकर आ गए ना नौकेर वो लोग इनकी बयानों और उलझ जाते हैं और इनको, मैं तो अब समझता हूँ कि इनसे किस मामले में गुफ्तगू करना ही कोई कोई सीरियसनेस नहीं है, सॉरी टू से मीर साहब। चलिए चलिए आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी जरा अलग तरह से सामने आया है, लेकिन बहरहाल मुल्क की खातिर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक वक्फे के बाद वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। जी नाज़रीन कराम, गुफ्तगू आपने सुनी, बात तो हम मुज़ाकरात पे कर रहे हैं लेकिन उसके हवाले से मुझे जानना चाहते हैं कि मुल्क की सूरत हाल क्या है। अशारे बहुत से लोगों ने किए, इसहाक डार साहब को जो है वो नायब वज़ीर आज़म बना दिया गया, ये भी बात की गई और कहा गया रिश्तेदार को बना दिया है, लेकिन जिसको लाया जा रहा था उसका तस्करा भी हुआ है, नाम उनका भी आया है, अब वो भी सोचने की बात है ना, कोई ला ला रहा है ला के बैठा रहा है और आगे कर रहा है, वो एक अलग मसला पैदा हो जाता है। ठीक, ये किसी आदमी को दुरुस्त ठीक गलत अच्छा होने की बात निशानी नहीं है, निशानी ये है कि कौन सी कुव्वतें ताकत रखती हैं और कौन सी कुव्वतें ताकत नहीं रखती। नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, मुल्क के अंदर आ रहे हैं, वो पार्टी की सुना क्यादत संभाल लें, क्या उनके हाथ पल्ले में कुछ होगा कि नहीं होगा, ये सारी बातें जो सोचने वाली हैं। लेकिन इस वक्त जो मसला हम जेरे गौर आया हुआ है, हम बात कर रहे हैं, वो मुज़ाकरात के हवाले से था और उस हवाले से आप देख रहे हैं कि हम किस तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि ये हम होने चाहिए, हर एक की अपनी शरायतें, हर एक कहता है कि यूँ हो तो हो जाए, यूँ हो तो हो जाए, लेकिन किस तरफ बढ़ रहे हैं ये एक ज़्यादा अहम सवाल है। और क्या नज़र आता है अहले नज़र को? जी शौकत यूसुफ ज़ई साहब, आपको क्या नजर आता है कि बात आगे बढ़ेगी या इस तरह हम बहस करते रहेंगे? देखिए मुझे तो अभी तक हुकूमत की तरफ से कोई संजीदा पेशकश नहीं होना नजर आई है, ना वो संजीदा हुए हैं इस मामले पे। जब मुश्किल में फंस जाते हैं तो फिर इस तरह की बात करते हैं आवाम को दलासा देने के लिए, क्योंकि इस वक्त महंगाई उरूज पे है और जो वक्तन फोक्तन बिजली की कीमतों में गैस की कीमतों में इजाफा हो रहा है, तो ये इसके लिए आगे जाके मुश्किल पैदा करेंगी और ऑलरेडी तहरीक शुरू हो चुकी है हुकूमत के खिलाफ, तो ये एक समझते हैं कि ये आगे जाके इनके लिए मुश्किलात बनेगी, तो ये इस तरह के बयानात आके टीवी पे दे देते हैं, लेकिन मुझे संजीदा कोशिशें हुकूमत की तरफ से नहीं लग रही। और ये जो बार बार ताने देते हैं कि जी ये तो देखें एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं, हमसे नहीं करना चाहते, कभी ये कहते हैं 2018 में एस्टेब्लिशमेंट ने इनको लेकर आया, ये तो वो बातें करते हैं जो खुद कहीं इससे दूर रहे हैं। अभी आज जो हुकूमत बनी है वो किसने बनाई है? खुद एस्टेब्लिशमेंट के हाथों बने, तीन तीन बारियां चार चार बारियां पहले ले चुके हैं और आज जो है ना ये हमें बात करते हैं कि जी एस्टेब्लिशमेंट, हम तो एक दफा आए हैं ठीक है, अगर एस्टेब्लिशमेंट के जरिए आए तब भी हम मानते हैं, नहीं आए तो तब भी मानते हैं, लेकिन एक बात चीत है, एक बात क्लियर है कि इस इलेक्शन के अंदर आवाम ने वोट पीटीआई को दिया है, इमरान खान को दिया है, तो इसका मतलब है कि हमने वोट हासिल कर लिया है। लेकिन बदकिस्मती से वो जमातें जो जमहूरियत का राग गिलापती रही, जो कहती रही हमने कुर्बानियां दी, तो क्या कुर्बानियां दी आप बताएं मुझे, जो बलूचिस्तान के अंदर जो कुछ होता रहा है वो कौन कर रहा है? पीपल्स पार्टी जो अपने आप को जमहूरियत पसंद कहती थी, और मैं खुद रहा हूँ पीपल्स पार्टी में, पीएसएफ में रहा हूँ, पीएसएफ का लीडर रहा हूँ यूनिवर्सिटी का, और हमें बड़ा वो होता था कि जी ये तो देखें ये आवाम की पार्टी है। जी मैं दोबारा आता हूँ यूसुफ़ साहब की तरफ। जी सेनेटर न्याज साहब, आप कौसम न्याज साहब, आप ये गुफ्तगू जितनी वो सुन सके हमने सुनी, वो कहते हैं जी, यानी कि आपको भी कुछ नजर आता है कि आप कहते हैं वो ऑफर ही नहीं कर रहे कुछ बातचीत करने की, और ये भी कहा जा रहा है कि हुकूमत तो चाहती है, कई बार ऑफर कर चुकी है, लेकिन ये संजीदा नहीं होते, ये बात करना नहीं चाहते, ये किसी और से करना चाहते हैं, क्या आपको नजर आता है कुछ होगा या हम ऐसे ही गुफ्तगू करते रहेंगे और इस गुफ्तगू में पूरा टेन्योर गुजर जाएगा? नहीं, बात तो करना चाहते हैं लेकिन इंसान के रवैये से पता चलता है ना कितना संजीदा है बात करने में। जब असेंबली के अंदर इनके रवैये जैसे होंगे, जिस तरह सदर की तकरीर के दौरान या इससे पहले,
यानी कि 60-70 मुल्कों के सफीर उस इजलास में बैठे हैं और जिसे कंडक्ट हो रहा है और वहाँ सीटियां बजाई जा रहे हैं, बाजे बजाए जा रहे हैं, तो इससे तो क्या मैसेज हुकूमत को जाते हैं कि सलाहकार करें? अगर थोड़ा सा हम तो इनको हुकूमत भी देने को तैयार थे, पीपल्स पार्टी को हमने कहा था कि अगर आपके साथ मिलकर हुकूमत बनाते तो हम पोजिशन बैठने को तैयार है, तो इसमें भी ये तैयार नहीं हुए। उनको पता था कि जी जिस तरह के मुआशी हालात हैं हमसे ये काबू में नहीं आएंगे, जिस तरह पहले काबू नहीं आए थे, तो खुद से पीछे हटे। अगर ये कहते हैं कि अवाम ने हमें मैंडेट दिया है तो फिर क्यों हुकूमत ने बनाई? 90 सीटें तो थी ना इनके पास, और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी अगर हो के सुनी था तो सबके पेट पाल देती तो 90 तो सीटें सबसे ज्यादा इनकी थी। तो ये चाहते तो हुकूमत पार्टी के साथ मिलकर बना सकते थे, लेकिन चूंकि इनके पास ये कैपेसिटी नहीं थी और जाहिर इमरान खान नहीं चाहते कि मेरे सेवा को वजी आजम बने, तो उन्होंने फिर वीटो कर लिया कि नहीं हम हुकूमत नहीं बनाते, हम पोजिशन में बैठेंगे। फिर कोई अपना रवैये में तब्दीली लाए ना, जिसे ये समझने में संजीदा हो गए हम समझेंगे कि ये अब संजीदा है और यकीन मुजाकरात होंगे। ये कहने मुजाकरात हम अली मुजाकरा करो बदकुम आ रही है ना, इनका रवैया जिससे तब्दील होगा और उनके एटीट्यूड जिससे तब्दील होगा, जिस तरह की जबान इस्तेमाल करते हैं वोट वालों की, तो हम समझे कि हाँ ये मुजाकरात करना चाहते हैं और हुकूमत डेफिनेटली मुजाकरात करना चाहती है, क्योंकि मुल्की मईशत को संभालना आप एक पार्टी की बस के बात नहीं है। तमाम स्टेक होल्डर तमाम सियासी पार्टी इकट्ठी बैठेंगी और दहशतगर्दी भी तब खत्म होगी और मुआशरात भी तब ठीक होगी। ठीक है, इससे पहले कि मैं शौकत यूसुफ जई साहब की लाइन क्लियर हुई है, वो शायद बात मुकम्मल करना चाहते हैं, उनकी बात सुन ली जाए तो ज्यादा बेहतर है ताकि बात को आगे बढ़ाया जाए। जी यूसुफ जई साहब, देखिए मैं ये अर्ज करूं कि इनके जो जितने भी लोग ये टीवी पे आते हैं ना, तो अब मुझे हैरत होती है कि ये बार बार ये कहते हैं कि जी देखें ये जबान कौन से इस्तेमाल कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, और जबकि इनके अपने लोग जो आके शुरू ही इससे करते हैं कि जी देखें ये तो इंतजार पसंद है, ये तो फ्ला है, ये तो अपने उस पर तो इनका कोई ख्याल नहीं होता है कि हम क्या कह रहे हैं। दूसरी बात ये कि इनकी जो संजीदगी का अंदाजा आप लगा लेना कि एक तरफ तो ये मुजाकरात की बात करते हैं, दूसरी तरफ जो है ना जितना इनके जोर लग सकता है वो लगा ले। इमरान खान के जेल में है, वो कभी शीशा लगा देते हैं, कभी दीवार बना लेते हैं, कभी क्या करते हैं, तो इस तरह नहीं हो सकता। ये अगर ये समझें कि हम दबाव में लाकर मुजाकरात होंगे तो दबाव में आकर कम से कम इमरान खान नवाज शरीफ नहीं है कि वो कहेगा कि चाचा मैं बीमार हूं मुझे बाहर भेज दो ना, वो बीमार होगा, अगर होगा भी तो वो कहेगा जी शौकत खान से मेरा इलाज करा दो, वो डॉक्टर आ जाएंगे यही पाकिस्तान में उनका इलाज हो जाएगा। तो ये देखें इनके लिए मुश्किल तो है, ये मुश्किल है कि एक ऐसा लीडर जो टूट ही नहीं रहा है, एक ऐसा लीडर जो जिसपे जितना भी ज्यादती हो जाए वो आराम से बैठा है, कहते हैं ठीक है मैं भुगतूंगा, अगर ये 9 महीने है ना 9 साल भी हो जाए, तो मेरे ख्याल से ऐसे लीडर के साथ आपने बात करनी है तो फिर संजीदा होना पड़ेगा। ठीक बात, ठीक ये बात। नहीं हो सकता कि दबाव में लाके करेंगे, वो कहते हैं जी वो ना मुल्क से बाहर जाएंगे ना कुछ करेंगे, लेकिन उनसे बात करनी पड़ी है तो संजीदा होना पड़ेगा। और उनको भी कुछ लोगों का ख्याल है कि उनको भी संजीदा होना पड़ेगा, कि बार बार ये इशारे आने की बजाय कि हम बात करेंगे तो उनसे करेंगे बात, फौज से करेंगे बात, एस्टेब्लिशमेंट से करेंगे बात, आईएसएस से करेंगे बात, ये कहना बंद करना चाहिए। और ये कहने भी अपनी पार्टी के बंदों को उन्हें रोकना चाहिए कि हम इस्लामाबाद पर चढ़ दौड़ेंगे, हमला कर देंगे वगैरह वगैरह। और जी ज़ुल्फ़िकार अली बदर साहब, आप क्या कहते हैं इस पूरी गुफ्तगू के बाद? ये मुझे इसलिए कहना पड़ा क्योंकि सेनेटर गौस अहमद नियाज़ साहब पहले बोल चुके थे, ये बात बाद में आई थी, तो मैंने कहा कि ये इजाफा कर दूं। अब आप बताइए आप क्या कहते हैं सिर्फ? मैं तो ये जाती तौर पे समझता हूं कि पार्लियामेंट का फोरम है, इनके एमएनए सेनेटर्स रोज हुकूमती पार्टी के लोगों के साथ मिलते हैं, बातचीत करते हैं, अगर ये बातचीत के लिए सीरियस है तो ये वहां पे बैठ के हल्की सी बातचीत इशारा दे, हल्की सी बातचीत के जरिए ये मामला हल हो सकता है, चीजें आगे बढ़ सकती है। लेकिन अगर आप सिर्फ चीजों को लिंगर ऑन करना चाहें और इनका एक पार्टी लीडर ये कह के जी हम सिर्फ आर्मी चीफ या आईएफ की तरफ से ही बातचीत करेंगे, उन्हीं के जरिए मसाइल का हल कर सकते हैं, तो फिर तो ये कोई खुद समझ लें कि इनकी सोच और इनकी मुजाकरात किस तरफ ये जाना चाहते हैं। अगर ये सीरियस तौर पे करना चाहे तो पार्लियामेंट में ये बैठ सकते हैं, स्पीकर कौमी असम्बली या चेयरमैन सेनेट इसके अंदर जो है मीडिएट कर सकता है और मसला हल हो सकता है। बहुत सारे ऐसे तो मौजूद है पार्लियामेंट के अंदर, सियासी पार्टियों के अंदर, जो अच्छे तरीके से बैठ के बातचीत के जरिए जिनकी तमाम दूसरी पार्टियां इज्जत भी कर रही है और वो एक बड़े मियाना रवि के साथ
मसाइल का हल निकाल सकते हैं, कोई दरमियाना रास्ता निकाल सकते हैं, तो उसकी इनकी तरफ से भी ऐसे लोगों का होना जरूरी है जो एक न्यूट्रल पॉजिटिव सोच रखते हैं और आगे चलने का इंडिया भी दें कि जी ये सारा मामला है। अदरवाइज तो फिर बातें जब हैं तो बात चलती रहेंगी। ये अगर टेबल पे आना चाहे तो पीपल्स पार्टी मीडिएट कर सकती है, वो भी उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने पहले भी इस तरह के बहुत सारे फोरम्स क्रिएट किए जहाँ पे तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस पार्टीज को किया है, और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ये रोल प्ले कर सकती है, लेकिन उसके लिए सीरियसनेस का शो करना जरूरी है। तो सर वो ये मामला इसी तरह हल होगा कि पीटीआई वाले भी, बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज भी कोशिश करें कि पार्लियामेंट के अंदर जो बैठे हैं उनके साथ पहल करें, और जो पार्लियामेंट से बाहर बैठे हैं उन लोगों को भी ऑन बोर्ड करें, तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस, स्टेक होल्डर्स, पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उन सबको बुला के बैठा के मामले का हल निकालें, चीजें आगे लेके चलें, तो ये मुल्क के अंदर इकोनॉमी भी बेहतर हो जाएगी, पॉलिटिकली स्टेबल भी हो जाएगा, और चीजें जो है खुद ब खुद जो है इन तमाम लोगों के बैठने के साथ ही चीजें बेहतरी की तरफ चलना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, एक वक्फा लेते हैं जी, वक्फे के बाद फिर हाजिर होते हैं और बात को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि मामला कैसे संभल सकते हैं, कैसे बेहतर हो सकते हैं। एक वक्फा, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। ये नाज़रीन काम, हम कोशिश कर रहे हैं कोई रास्ता तलाश करें, हम मुज़ाकरात पर अटके हुए हैं और कोशिश ये कर रहे हैं कि मुज़ाकरात होंगे तो बात चलेगी, बात दुरुस्त है, लेकिन मुज़ाकरात से हटकर भी कुछ सोचा जाए ना जी। आप नवाज शरीफ की हुकूमत कुछ कर रही है कि नहीं कर रही? नवाज शरीफ चीन गए हुए हैं, क्यों गए हुए हैं? यहाँ साग डार साहब को बनाया है, किस लिए बना दिया इन्होंने? और वो शहबाज शरीफ साहब ने सऊदी अरब का रुख किया हुआ, वो क्या करना चाहते हैं? IMF कह रही है कि महंगाई को कम करना हमारा टारगेट है, हम कोशिश करेंगे। जो टारगेट आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि आइंदा एक आध साल में, हम 6 महीने में, कुछ अरसे के बाद महंगाई कम भी होगी, मुल्क के हालात बेहतर भी होंगे, और महंगाई की शरह जो बहुत बढ़ चुकी थी वो उसकी हद भी बताई जा रही है किस हद तक आ जाएगी। मैं वो फिगर्स नहीं बयान कर रहा, जानबूझ के नहीं कर रहा कि वो भी कोई कम नहीं है। ये सारी सूरत हाल बताती है कि कुछ जो हुकूमत ने अब तक जो किया है उसको कई जगह से इंडोर्स भी किया जा रहा है। ऐसी सूरत में क्या सियासी तावन की गुंजाइश नहीं निकलती? जरूरत नहीं पड़ती कि सारी पार्टियां मिल बैठें? छोड़ दीजिए कि वो उसको चोर कहते हैं, वो उनको गद्दार कहते हैं, इसलिए कि मुल्क की बेहतरी के लिए कोई ऐसा लाहा अमल तलाश किया जाए, तमाम पार्टियां जो हैं मुल्क के बेहतरी के लिए कुछ करती दिखाई दें। क्यों जनाब शौकत यूसुफ़ज़ई साहब, आप कहते हैं पाकिस्तान के लिए सब कुछ करने को तैयार हैं, क्या कोई आप ऐसा लाहा अमल तैयार नहीं कर सकते कि मुल्क की बेहतरी के लिए कुछ किया जा सके? दूसरों की शिकायत छोड़ दी जाए, आप अपना लाहा अमल दें कि ये होगा तो हम आगे बढ़ने को तैयार हैं, और ये होगा में ये ना हो कि हमारे लोगों के साथ ये रियायत बढ़ती जाए, बल्कि ये किया जाए कि मुल्क के लिए क्या बेहतर हो सकता है। देखिए मीर साहब, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की। देखें इस वक्त दो इश्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो मईशत है, दूसरा अमन अमान। ठीक, ये दोनों जिस जगह पे चल रहे हैं उसमें बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि सारे पोलिटिकल पार्टीज को इसके हल के लिए अपना तावन बढ़ाना होगा। लेकिन आप ये देखें कि इस वक्त जरूरत किसको है। देखें ना, आप तो या तो खामखा मीडिया पे ये उछाल रहे हैं कि जी आप मुजाकरात करें नहीं करें, मुजाकरात करें नहीं करते, ये तो कोई बात ही नहीं है। अगर आप सिर्फ मुजाकरात की बात करते हैं तो इमरान खान नहीं करना चाहता ना, उसको कोई जरूरत है, लेकिन हुकूमत को तो जरूरत है ना। हुकूमत जो, क्योंकि ये जो हुकूमत है कठपुतली हुकूमत, अगर इतने ज्यादा मुश्किलात का सामना है, मईशत का सामना है, महंगाई का सामना है, तो जरूरत तो इनको है ना। तो फिर जब ये जरूरत इनको है तो फिर ये हमें बार बार क्यों हमें ये रवैये में पहले लचक दिखाए? भाई रवैये में कैसे लचक दिखाए? एक तरफ हम हमें दीवार से लगा रहे हैं, सारे लोगों को जेल में बंद किया है और जाली मुकदमा दर्ज हो रहा है और अभी भी दर्ज हो रहा है। पंजाब के अंदर अभी भी जब हम जलसा करते हैं तो हमारे पास मुकदमा दर्ज होते हैं। तो ये आप कौन सी जमहूरियत नाफिज करना चाहते हैं और कौन सी मुजाकरात करना चाहते हैं? इसलिए जो शहरयार अफरीदी ने बात की थी वो ये नहीं है कि हम जाके कहीं मुजाकरात करने लगे हैं, बात ये है कि हमने कहा कि आपके साथ तो इख्तियार ही नहीं है, आपको कोई अगर कोई और कह रहा है तो फिर उनके साथ मुजाकरात क्यों ना किए जाए? ये तो उसका अपना एक प्ली था वो कि ये पार्टी पॉलिसी नहीं है। मैं आपको क्लियर कर दूं, इमरान खान कह रहा है कि मैं बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन अगर हुकूमत समझती है कि वाकई उनको जरूरत है और ये मुल्क नहीं चल रहा आगे, मुश्किलात हैं, तो हमने ये कहा था कि पाकिस्तान की खातिर इमरान खान सब कुछ कर सकता है, मुजाकरात भी हो सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, लेकिन अगर आप
मुसलसल दबा के प्रेशर में लाके आप कहेंगे जी आप मुजाकरात करें, हम मुल्क को जरूरत है, तो भाई आपको कौन लाया है? आपको जो लाया है वही बताए ना आपके क्या मसला है कि क्यों मुजाकर मामला खराब हो रहा है, मुल्क की हालात क्यों इस नहज पे पहुंचे हैं। दूसरी बात यह कि आप खैबर पख्तूनख्वा को क्या दे रहे हैं? आप खैबर पख्तूनख्वा को मुसलसल नजरअंदाज कर रहे हैं। 1500 अरब रुपए हमारे जमा हो गए और हमें ताने क्या दे रहे हैं टीवी बैठ के कि जी इन्होंने 700 अरब रुपए का कर्जा लिया है, कभी कहते कोई आके कहते 800 का कर्जा लिया गया। वो आप तो आपका वजीर आला उल्टा सीधा बयान क्यों देता है कि इस्लामाबाद पर चढ़ दौड़ूंगा, लोग कहते हैं गवर्नर राज दाफत करो वहां। मैं अर्ज करूं देखिए वो तंग आमद बजंग आमद ये आपने सुना होगा, वो तो तंग आने से पहले बजंग आमद। देखिए मेरी बात सुने अली अमीन साहब, देखिए खुले ढुले आदमी है वो बात करते हैं, वो ये पॉलिटिकल बातें होती है, ये सियासी बयानबाजी होती है। इसका मकसद हरगिज ये नहीं होता है कि जाके वो चढ़ाई कर ले, उसकी कोई ये कोई वो अलग पार्टी नहीं है। और मैं आज बड़ा मुझे अफसोस हुआ है शर्जील मेमन के उस पे कि जी ये तो दहशतगर्द है। तो देखिये इस तरह के अल्फाज अगर हम एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे तो पीपल्स पार्टी जो मुसलाहतन बात कर रही है तो वहां कहां से, अपने पहले तो लोगों को लगाम देना। शर्जील मेमन ने क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस की और क्यों एक वजीर आला को दहशतगर्द करार दिया है? आप इसी तरह लोगों को खिताबात देते रहेंगे, इसी तरह लोगों को वो करते रहे कि जी ये जो मुल्क दुश्मन है और ये गद्दार है और ये, फिर आप हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम आपके साथ बैठ के बात करें? ऐसा तो नहीं होता ना। अगर आप मुल्क के लिए बात करना चाहते हैं, अगर मुल्क जी जुल्फिकार अली बदर साहब, तो फिर आपको संजीदा बातें करनी होगी। जुल्फिकार अली बदर साहब, ये आपके बंदे ने कह दिया कि ये दहशतगर्द है, ये जो कहते हैं इस्लामाबाद पे चढ़ाई कर देंगे ये कहने वाले दहशतगर्द हैं, और इस तरह की बात करना गोया हमारे शौकत यूसुफ़ज़ई साहब के ख्याल में मुनासिब बात नहीं लगती, आप क्या कहते हैं? सर मैं तो ये समझता हूँ कि शर्जील मेमन साहब ने जो बात की है वो केपी के चीफ मिनिस्टर, उनको अगर अवाम ने इलेक्ट किया है, पार्टी ने उनको इज्जत दी है, तो उनको पाकिस्तानी होके सोचना चाहिए था। वो अपने ही मुल्क के कैपिटल इस्लामाबाद पे कब्जा करने की बात जब करेंगे तो फिर किसी ने तो कोई उनकी बात की इंटरप्रिटेशन पालनी थी, तो शर्जील मेमन साहब ने कर दी। अगर ऐसी बात इनको लगती है कि नहीं है वो दहशतगर्द नहीं है तो उनको चाहिए कौम से और केपी वालों से और तमाम कौम से माफी मांग ले, तो शर्जील मेमन साहब भी उनसे माफी मांग ले कि जी अगर आपने ऐसी बात नहीं करेंगे तो हम भी ऐसी बात नहीं करेंगे। असल बात मसला मुद्दा ये है कि इनके लोग भी ऐसी तलख बातें करते रहे माजी में, और अगर माजी की तलखियों तलख की हुई बातों की तरफ जाएंगे फिर मसले का हल नहीं निकलेगा। इनको कह के बैठ जाएं, बैठ के बातचीत करें, बातचीत करके अगर किसी ने कोई ज्यादती को गलत बात या कोई ऐसी की है इन तमाम चीजों की माजरत अपोलॉजी मसले का हल हर चीज निकल आएगी। लेकिन अगर ये समझेंगे कि इनकी गलत बात के ऊपर कोई उस गलत बात का जवाब भी ना दे और सिर्फ ये बातें करते रहे, आगे से कोई बोले ही ना और इनको कोई कुछ कहे ना, ये जिसको चोर डाकू कहना है ये वो कह दे और कोई इनको कुछ ना कहे, ऐसा मुमकिन नहीं है। ये ऐसा पॉलिटिक्स के अंदर होता नहीं है, इसके अंदर बड़ा दिल सबर और बर्दाश्त करनी पड़ती है, और बड़ा सबर दिल बर्दाश्त के लिए फिर आपको सियासी तौर पे मेच्योरिटी का मुजाहरा करना पड़ता है और फिर मसाइल का हल निकल सकता है। और ये पाकिस्तान है तो हम लोगों की इज्जत है, हम लोगों का बका है, और ये लोगों को ये समझने की जरूरत है कि यहाँ पे हमें ओवर एंड अबव द पॉलिटिकल अफिलिएशन और जाति और सियासी इनाओं को साइड पे रख के मसले का हल निकालना है, ना कि हम इन्हीं झंझटों में पड़े रहे, इन्हीं बातों में पड़े रहे कि ये बच्चों वाली जिद में लगे रहे। हमें सियासी इनाओं को और जिदों को छोड़ना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए। ठीक बात जी, इसी पे हमें एक वक्फा लेते हैं जी, वक्फे के बाद लास्ट सेगमेंट में हम कोशिश करेंगे कि अपने दूसरे साथियों के साथ भी राबता हो और हम बात को जो टेक्निकल बुनियादों की वजह से कुछ मामला पैदा हो रहे हैं उसकी बजाय हम बात को कंक्लूड करने की कोशिश करें। एक वक्फा, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं जी। नाज़रीन कराम, वक्त इतना कम रह गया है कि मुझे लगता नहीं है कि हम अपने बाकी साथियों को भी इकट्ठा करके उनसे गुफ्तगू कर सकें। मैं शौकत यूसुफ़ज़ई साहब से भी कहूँगा, ज़ुल्फ़िकार अली बदर साहब से भी कहूँगा कि जो अब लास्ट वर्ड्स हैं इस वक्त मुल्क को जो मसाइल दरपेश हैं उसमें अगर उनसे पूछा जाए लास्ट क्या हल है आपके पास, आप बस बड़ी से बड़ी कुर्बानी देकर क्या पेश कर सकते हैं कि ये किया जाए तो मुल्क बेहतर समत पर आगे बढ़ सकता है। सरकारी पार्टी तो कर रही है, आप क्या करना चाहते हैं? देखिए अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो सबसे पहली बात है कि अवाम के मैंडेट का एहतराम किया जाए।
आईन और कानून की बालादस्ती हो, ये सबसे बड़ी, और पार्लियामेंट की बालादस्ती हो, ये सब पार्लियामेंट की कोई बालादस्ती नहीं है, ना ही आईन और कानून की कोई बालादस्ती है, बस आप ये सब कुछ आपके सामने है। दूसरा जो एक अली अमीन गंडापुर साहब के बयान को जो इतने बड़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है, ये मुझे बताया कि क्या इससे पहले किसी ने इस तरह के स्टेटमेंट नहीं दिए कि जी जब जिस वक्त बेनजीर भुट्टो साहब वजीर आजम थी नवाज शरीफ साहब के, हमें वहां जाके कुर्सी से बाहर फेंक देंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, वो भी यही कहते थे कि जी हम उनको उठा के बाहर फेंक देंगे। ये तो सियासी बयानबाजी होती है, सियासी बयानबाजी को इस तरह लेना कि जी वो दहशतगर्द है ये फलाए, इसकी मैं शदीद मजम्मत करता हूँ। सियासी लोग जो है वो एक दूसरे को दहशतगर्द कहेंगे तो मामला कभी दुरुस्त नहीं होंगे। ठीक जी, जुल्फकार अली बदर साहब जो कहते हैं कि सियासी बयानबाजी है, इससे इस पर बुनियाद पर दहशतगर्द करार देना मुनासिब नहीं लगता किसी सियासतदान का दूसरे सियासतदान को। सर मैं तो यही समझूंगा कि इस टाइम पे पॉलिटिकल मैच्योरिटी का मुजाहरा करना चाहिए था कि अपने केपीके के चीफ मिनिस्टर की इस किस्म की बात को जस्टिफाई करना, ये तो कोई पॉलिटिकल मैच्योरिटी या समझबूझ नहीं है कि अगर वो कहे कि अपने मुल्क के ऊपर उसी के कैपिटल के ऊपर हमला कर देंगे या जेल के ऊपर हमला कर देंगे, तो ये तो एक बड़ी इमेच्योर सी बात है और इससे कोई अवाम में तासुर अच्छा नहीं जाता। हम तो यही कहेंगे कि केपीके के चीफ मिनिस्टर को इस बात के ऊपर अपने अल्फाज वापस लेके माफी मांगनी चाहिए थी, और शौकत यूसुफ जई साहब जैसे मैच्योर पॉलिटिकल आदमी जिन्होंने पीएसएफ में भी टाइम गुजारा है, आज वो अपने ही चीफ मिनिस्टर की बातों को, गलत बातों को जस्टिफाई करेंगे, तो इस पे अवाम के अंदर भी रद्द अमल और उनको जो है तासुर अच्छा नहीं जाएगा। मैं सिर्फ इतनी ही बात करूंगा कि ऐसी गलत बातें करें ही ना इनकी जानिब से, खास तौर पे वजीर आला केपी के जानिब से ऐसी बातें होनी नहीं चाहिए कि जिसकी वजह से आगे कोई उसको रद्द अमल दे सके, कोई उसके बात कर सके। ठीक बात, इनको ये दहशतगर्दी और इनको तो मोहब्बत की, पीस की बात करनी चाहिए ताकि मसाइल का हल निकले। हालात मुल्क के बहुत खिलाफ हैं, सबको अमन और सलामती की बात करनी चाहिए और कोई गैर जिम्मेदारी की बात नहीं चाहिए, पुख्तगी का मुजाहरा करना चाहिए। मैच्योरिटी जो सियासत में होती है वो बहुत जरूरी है। हालात मुल्क के इतने नाजुक हैं कि किसी ऊंच नीच का कोई गुंजाइश बाकी नहीं है, हमें बहुत सोच समझ कर कदम भी उठाना चाहिए, बात भी करनी चाहिए, मुंह भी खोलना हो तो एहतियात से खोलना चाहिए और कदम भी बढ़ाना हो तो बहुत सोच समझ के बढ़ाना चाहिए। इंशाल्लाह मुल्क सही समत पर चलेगा, हमारे सियासतदान मुहिब वतन हैं, यकीनन कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। और यही समझ लेना चाहिए जैसे कि कहा जा रहा है कि सियासी बयानबाजी को सियासी बयानबाजी ही समझा जाए। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।